नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के गांव कंजन्यू में कई दिनों से चल रहे मीट फैक्ट्री के विरोध के मामले में आज मीट मालिकों की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है कि मीट फैक्ट्री किसी भी तरह से अवैध नहीं है, सभी दस्तावेजों के साथ चिकन का काम किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन इस मामले में पूरा सहयोग कर रहा है। यमुनानगर के गांव कंजन्यू में काफी दिनों से लगातार ग्रामीणों की ओर से मीट फैक्ट्री खोले जाने का विरोध किया जा रहा है। ये विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस विरोध को देखते हुए मीट फैक्ट्री के मालिकों की ओर से अपना पक्ष रखने का प्रयास किया गया। इसमें उन्होंने बताया कि सारा प्रोसीजर कानून के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सभी नियमों को पूरे दस्तावेजों के साथ पूरा किया गया है। कहीं पर भी किसी भी नियम की अवहेलना नहीं की जा रही है। सरकार से लाइसेंस लेने के बाद ही सारा प्रोसीजर गहनता से बताते हुए कहा है कि उन्होंने मीट फैक्ट्री लगाने के लिए जिन लोगों से जमीन ली है उन लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताकर जमीन ली गई है। वो मार्केट से ऊंचे दामों में खरीदी है। उन्होंने कहा है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव या धोखा नहीं किया गया है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। सायरा फूड्स के माध्यम से आप सबको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये जो सायरा फूड्स है ये गांव कांडू में जिला रादौर में एक इंडस्ट्रियल प्लॉट हमने खरीदा पिछले साल मार्च में, जिसमें हमने चिकन का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने का प्लान किया है। इसमें चिकन जो है प्रोसेस होकर रेफ्रिजरेटेड वैन्स में डिलीवर होना है। गांव कांजनू में कुछ लोगों ने इसके बारे में एक अफवाह फैला रखी है जी, लोगों की धार्मिक भावनाओं की आड़ लेकर उनको गुमराह कर रहे हैं कि जी ये बुचड़ खाना है। बुचड़ खाना, जैसा कि आप सबको शायद सबको जानते ही हैं कि बुचड़ खाने में किसी भी तरह का मीट की प्रोसेसिंग होती है। ये एक चिकन प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें हमने चिकन भी दो तरह के हैं जी, एक तो जो खाने वाले होते हैं जी और एक जो अंडे ले करने वाले होते हैं। तो ये अंडे वाले चिकन भी नहीं हम इसमें प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ लाइव बर्ड्स लाएंगे, जो ब्रॉयलर चिकन होता है उसको हमने प्रोसेस करके और ये उसका प्लांट है। तो ये एक हाइजीनिकली तरीके से हमने इसको रेफ्रिजरेटेड वैन्स में हमने जगह जगह पहुंचाना है, जहां पे जो कि आज तक जो क्या है हरियाणा, पूरे हरियाणा में चिकन के जितने पोल्ट्री 225 पोल्ट्री फार्म्स हैं जी, यहाँ का जितना चिकन है ये सब दिल्ली या आसपास के बड़े शहरों में जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो हरियाणा सरकार, ये जो एक प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत आता है, जिसमें कि सरकार ये चाहती है कि जो चिकन है वो आसपास के जो जितने प्रोड्यूस है हमारे हरियाणा की वो हरियाणा में ही खपत हो जाए और लोगों को दूर ले जाने में जो उनका खर्चा आता है या जो उनका बर्ड्स का लाइफ का स्टेट पे होता है, कुछ बर्ड्स मर जाते हैं ट्रैवल करने में, तो उन सबको बचाने के लिए ये एक योजना तैयार की है। और सरकार जी ऐसे तो नहीं किसी प्रोजेक्ट को सैंक्शन करती ना जी, सारी जितनी ऑब्जेक्शनेबल आपकी चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखकर CIU लेना है, कहां से कौन सा जोन में लगानी है इंडस्ट्री, कि आप कहीं भी किसी आबादी वाले इलाके में तो नहीं लगा रहे। तो आप सबको पता है कि जी ये जो इंडस्ट्री है ये सैटेलाइट व्यू में सरकार ने भी इसको देखने के बाद कि इसके 1.25 किलोमीटर के आसपास कोई आबादी नहीं है जी, कोई मंदिर नहीं है, कोई धार्मिक, कोई धार्मिक, ये है सैटेलाइट व्यू जो सरकार, केंद्र सरकार ने लिया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसको भी चाहिए कोऑर्डिनेट शेयर कर सकता है, हम लोग शेयर कर सकते हैं। इसके आसपास कोई आबादी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई धार्मिक संस्थाएं नहीं है। ये वाला है जी, ये हमारा नक्शा है। जो लोग कह रहे हैं कि जी पहले हमने इसको प्लाईवुड यूनिट बनाना के लिए कह के और जमीन लिया है जी और अब ये इसमें ये बुचड़ खाना खोल रहे हैं जी, ऐसा हमने प्लाईवुड यूनिट का कोई हमारा नहीं है, असर नहीं है। ये शुरू से ही हमारा ये सैंक्शन लेटर है, ये जमीन के कागज है। जब जमीन की पैमाइश हुई थी उसमें सब गांववासी भी वहीं थे, जो आसपास के लोग होते हैं, जो कंसर्न होते हैं, इसमें सरपंच के भी हस्ताक्षर है जी। और ये हमारा सायरा फूड्स के नाम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।